फेलियर से तो आपका चोली दामन का साथ हो जाता है बिजनेस में जब भी आप आते हो, क्योंकि आप यहाँ पे जीतने से ज्यादा हारते हो और वो आपको हैबिट बना लेनी होती है, क्योंकि जब भी आप हारते हो तो वो कुछ नया सिखा के जाता है। कभी कभी तो आप डिप्रेशन में चले जाते हो। मेरे को आज भी याद है कि मेरे बहुत छोटा सा बिजनेस था उस वक्त और मेरे को एक बड़ा क्लाइंट मिला, बिल्कुल फाइनल डील हो गई और जितनी मेरी मंथली सेल होती थी उतने के बराबर ही उसका वो फर्स्ट ऑर्डर था और चांसेस की बात हुई कि सब कुछ फाइनल होने के बाद एंड मोमेंट पे वो कैंसिल हो गया। 2-3 दिन मेरे को उससे उभरने में लगे। लेकिन क्या है कि आपको स्टार्टिंग में ये चीजें लगती, जब आप पहली बार हारते हो, पहली बार फेल होते हो, तो आपको लगता है कि यार सब कुछ खत्म हो जाएगा और अब आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। लेकिन क्या होता है, जब आपको यूज्ड टू हो जाते हो फेलियर्स के, हारने के यूज्ड टू हो जाते हो, फिर आपको पता है कि यार ये फेलियर तो आपके जो काम है उसका हिस्सा है। अगर आप इनको दिल पे लेके चलोगे, बार बार इन चीज को माइंड करोगे, तो फिर आप हमेशा ही डिप्रेशन में रहोगे, हमेशा ही आप अपना मूड खराब करके रखोगे। तो वही रहता है, जब आप इसको अपने जिंदगी का, अपने इस सफर का एक पार्ट बना लेते हो, तो फिर आपके लिए इजी हो जाता है, फिर आप कभी भी डिप्रेशन में नहीं आओगे, फिर आपको लगेगा यार आप हार गए हो, अभी आपको और मेहनत की जरूरत है, फिर आप और मेहनत करना शुरू करोगे। और ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है। आप मंथ बेसिस पे, ईयर बेसिस पे छोड़ो, आप डेली बेसिस पे भी कई बार फेल होते हो और फिर आपको लगता है, कई बार आपके पास ऐसी ऐसी कंप्लेन आती है जिनका आपको लगता है कि कोई सोल्यूशन कभी हो ही नहीं सकता और ये कस्टमर आपके हाथ से गया, लेकिन फिर भी आपको केवल क्या करना है, वहां पे डटे रहना है, अपना जो पॉलिसी है और आप जिस तरह आप काम कर रहे हो उस पर करते रहना है और वो प्रॉब्लम पता भी नहीं लगेगा आपको। वहां पे ऑनेस्ट रहना है और बेस्ट पॉसिबल एफर्ट करना है उसको रेक्टिफाई करने का, फिर आपको पता भी नहीं लगेगा वो प्रॉब्लम कहां पे चली गई। आपकी फेलियर का आपके बिजनेस पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, बल्कि वो तो आपको और मेंटली स्ट्रांग करके जाएगा और कभी कभी तो वो आपको बेनिफिट ही देके जाता है, वो आपके बिजनेस के लिए बेनिफिशियल ही साबित होता है।